शेर और सियार। एक जमाने में एक जंगल में एक शेर और सियार रहते थे। उस शेर ने जंगल में सब प्राणियों को अपने काबू में रखा था। उसे बहुत अहंकार भी था। उस शेर को देखकर बाकी सारे प्राणी उसे बहुत डरते थे। जब शेर सामने आया, सारे प्राणी डर के मारे यहाँ वहाँ भाग गए। इतना डर लगता था उन सब प्राणियों को। इस शेर की हैसियत को देख करके एक सियार को बहुत जलन हुआ करता था। सियार ने सोचा, इस शेर से सब कैसे डरते हैं। इस विषय पे बहुत उसके मन में बातें चल रही थी। तब उसके मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, शेर से इसलिए डरते हैं बाकी प्राणी क्योंकि उसके शरीर में रेखाएं थी। इसलिए सियार ने एक फैसला किया। उस फैसले के दौरान सियार एक लोहार के पास पहुंच गया। सियार ने लोहार से कहा, जैसे शेर के शरीर में रेखाएं हैं, मेरे शरीर में भी रेखाएं तुम बनाओगे? तो तुरंत लोहार ने एक लोहे के काटी को बहुत गर्म किया और सियार के शरीर में रेखाएं बनाने लगा। सियार को बहुत जलन हुआ और वो दर्द में तड़पने लगा। और सियार ने लोहार से कहा, मुझे दर्द नहीं चाहिए मगर रेखाएं चाहिए, तुम कुछ करो ना, प्लीज मेरी मदद करो। तो लोहार ने सियार से कहा, तुम एक काम करो, तुम रंगों से अपने पूरे शरीर में रेखाएं बनाओ, ठीक है? लोहार की इस उपदेश को सुन के सियार एक पेंटर के घर की ओर चल पड़ा और उसके पास जाके उसने कहा, मेरे शरीर में रेखाएं बनाओ जैसे शेर के शरीर में है। तो पेंटर ने इसकी बात सुन के सियार के शरीर में रेखाएं खींचने लगा। इन रंगों को अपने शरीर में देख के सियार को बड़ी खुशी हुई। अब मैं भी शेर जैसे ही दिखता हूँ, ऐसा सोच के बहुत हल्ला मचाने लगा। इसी प्रकार वो जंगल के अंदर गया और समझ लिया कि वो शेर के जैसे आवाज कर रहा है मगर उसकी आवाज नहीं बदली। मगर सब प्राणियों ने डरने के बजाय उसे घेर लिया और उसे आश्चर्यचकित होके देखने लगे। सब प्राणी जब इस प्रकार उसे घिर गए थे, तब अचानक से बारिश आ गई। इस प्रकार सियार के शरीर में जो रेखाएं थी वो सब मिटने लगी। इसे देख सब प्राणी उस पे जोर जोर से हंसने लगे। बच्चों, हमें हमेशा हमारी तरह ही रहना चाहिए, ना कि दूसरों का अनुकरण करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई आपको?